श्री सीतारामाभ्यां नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविन्दं कलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानअञ्जनशलाकया चक्षून्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए श्री चित्रकूट धाम की जय हो। कामतानाथ भगवान की जय हो। मंदाकिनी मैया की जय हो। सर्व संतन की जय हो। सर्व भक्तन की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम भगवान की जय। हरि नाम संकीर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव है। भगवान नाम से भगवत धाम की प्राप्ति। मानव योनि में आने के बाद मानव के सामने मात्र एक लक्ष्य बाकी है और कुछ बाकी नहीं। आप क्या सोच रहे होंगे कि हम धन कमा लें, हमारा स्वास्थ्य सही बना रहे, संसार में जितने प्रकार के सुख हमको मिलें उसमें हमारा लक्ष्य पूरा हो? कभी नहीं हो। इन कामों में करो लेकिन भगवान से संबंध जरूर जोड़ लो, भगवान से भिन्न मत रहो। हरि नाम से हरि धाम की प्राप्ति। नारद पुराण में लिखा है हरिर्नाम 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 केवलम हरिर्नाम 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 केवल। केवल कलयुग में क्या है? केवल हरिनाम। गोस्वामी जी बहुत सुंदर भाव लाते हैं इसी नारद पुराण के श्लोक की हिंदी करते हैं। कलौ नास्ति नास्ति वै नास्ति अन्यथा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। वैसे उपाय तो बहुत हैं, अष्टांग योग करिए, ध्यान करिए, पूजन करिए और जो कितने उपाय हैं संसार में कल्याण के, लेकिन भगवान नाम से बड़ा कोई संसार में कल्याण का साधन नहीं है। देखिए भक्त प्रहलाद ने जो आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में और व्यास के श्रीमुख श्रीदेवी कथा श्रवण कर रहे हैं, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के अन्याय और अनीति का अंत भगवान नाम से किया। भगवान नाम से किया। हिरण्यकश्यप पूछता था प्रहलाद तुझको गर्म खंभे से लगा रहा हूँ, पहाड़ों से गिरा रहा हूँ, बहुत यातनाएं दे रहा हूँ, लेकिन एक बात बता तुझे भय क्यों नहीं? तो प्रहलाद कहता है कि राम नाम जपताम कुतो वयम। पिताजी राम नाम जपने वाले के लिए कहीं वह ही राम नाम जपताम कुतो वयम। बोले क्यों? सर्व तापस मनईक भेषजम। ताप कितनी है? रामायण पढ़ते हैं आप लोग, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजनी काहू व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा ये किससे मिटेंगे? राम नाम से। सीता ये राम नाम से मिटेंगे। तो राम नाम जपताम कुतो भयम सर्व तापस मनईक भेषयम। हिरण्यकश्यप कहता है प्रहलाद तू बता नहीं रहा है
लेकिन मैंने गर्म खंभे से तुझे लगाया है तो जल तो रहा होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं जल रहा हो। तो भक्त प्रहलाद कहता है कि पश्चातम गात्र शंड रहो, पिताजी मेरे शंड कटा जाओ और मेरे शरीर को स्पर्श करके देख लो, पावक को अपि सल्लाय तेरना, अग्नि से लगाए जाने के बाद भी पानी से अधिक ठंडा हो रहा है। हरे नाम। अच्छा, विभीषण ने रावण के अन्याय और अनीति का अंत भगवान नाम से किया, हरि संकीर्तन से किया, भगवान शरणागति से किया। रामायण पढ़ते होंगे आप, विभीषण क्या कहता है, लंके से कहता है कि तुम पे तो सर से भले ही मोह मारा, लेकिन राम भजे हेतु नाथ तुम्हारा। लंके से तेरा कल्याण तो भगवान नाम से होगा, बगैर भगवान नाम के नहीं होगा। मैं तो जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू देख लेना। अच्छा, एक बात है, रावण ने कितना शासन किया, कल्पों शासन किया, बहुत शासन किया, बहुत शासन किया, लेकिन रावण का बाल माँ का कोई नहीं कर पाया। सब देवता उसकी कैदम पड़े हुए हैं, सभी पर शासन कर रहा है और चैलेंज करता है, पावक पवन पानी भान हिवान यम काल लोकपाल मेरे डर डमाडोल हैं, और साहेब महेश संकित रमेश मोहे महातप साहस बिरंच जी ने मोल हैं, को है इस नाम को। रावण क्या कहता है, को है इस नाम को, कि ईश्वर है अहम ईश्वर, मैं ईश्वर हूँ, को है इस नाम को जो वाम हो तो मोहूसों और माल्यवान रावरे के बावरे से बोले, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर तक के लिए चैलेंज करता है, उस रावण का विनाश करने में विभीषण मुख्य था। और वो क्यों, भगवान भक्त था, इसलिए भगवान नाम से रावण के अन्याय अनीति का अंत किया, किसने, विभीषण। अच्छा, ये हमारा देश आज से 71 वर्ष पहले 47 में जब भी स्वतंत्र हुआ, कैसे हुआ, इसमें भी भगवान नाम संकीर्तन का ही मेन मुख्य कारण था। महात्मा गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम के बल से इस देश को स्वतंत्र करा दिया। आज भी ये विश्व, देश नहीं पूरा विश्व, विनाश की कगार पर खड़ा हुआ है। एक आर्मी के युद्ध पूरे विश्व को एक रात के ढेर में बदल सकता है, लेकिन आज भी सुख शांति और समृद्धि के लिए हमारे देश को, हम और आपको सभी को भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम का स्मरण करना पड़ेगा। अच्छा, एक पद्म पुराण में श्लोक लिखा है व्यास ने, कितना अच्छा श्लोक लिखा है, भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया है उसमें, कितना अच्छा श्लोक बताते हैं। गोकोट दानम माघे प्रयागम, गोकोट दानम ग्रहेण सुकाशी, गोकोट दानम ग्रहेण सुकाशी माघे प्रयागे यद कल्पवासी, यज्ञायुतम स्वर्ण मेरु तुल्यम और गोविंद नामना च भवत तुल्यम, राम नामना भवत तुल्यम। गोकोट दानम, जब कभी चंद्र ग्रहण पड़े तो काशी में जाओ और काशी में जाकर के 1 करोड़ गौदान कर दो, लेकिन भगवान नाम का दान 1 कर दो उसके बराबर नहीं है। गोकोट दानम ग्रहणेश काशी और माघे प्रयागे यद कल्पवासी, और आप जाइए प्रयागराज, और वो प्रयागराज जाने का कल्पवास का महीना माघ का हर प्रतिसम्मत होता है। अच्छा, रामायण में लिखा है, पढ़ा होगा आपने, मैं माघ मकरगत रवि जब हुई तीर्थ पति जावे सब कोई, देव दनुज किन्नर नरसेनी और वो सादर मध्य हैं सकल के में। देवता भी जाते हैं, गंधर्वेक्ष भी जाते हैं, कहाँ, प्रयागराज, किस लिए, कल्पवास करने के लिए, कब, माघ के महीने में, मकर संक्रांति में। कितने दिन तक कल्पवास होता है, 1 महीने, 1 महीने कल्पवास प्रयागराज में मकर महीने में करने से जो पुण्य मिलता है वो 1 नाम के बराबर नहीं। क्या काम है, व्यासी ने गोकोट दानम ग्रहणे स्वासी माघे प्रयागे यद कल्पवासी यज्ञायुतम स्वर्ण मेद तुल्यम। यज्ञायुतम, आयुत कहते हैं 10,000 को, रावण पढ़ा होगा, आयुत जन्म भर पावे पीरा, का उसने को श्राप लिया, उसने बताया आयुत जन्म भर पावे पीरा, 10,000 जन्म तक तुझे अजगर योनि में लेने पड़ेंगे। यज्ञायुतम, 10,000 यज्ञ करने से जो महत्व होता है वो 1 नाम के बराबर नहीं होता।
स्वर्ण मेल तुल्यम, सुमेरी पर्वत का नाम सुना होगा, सोना इतना दान करो तीर्थों में जाके कि सुमेरु के बराबर, लेकिन एक नाम के बराबर नहीं होगा। स्वर्ण मेरु तुल्यम, तो क्या लिखा व्यासी ने, गोविंद नामनाथ भवेत तुल्यम, राम नामनाथ भवेत तुल्यम। भगवान राम नाम जपने का, गोविंद नाम जपने का जो महत्व तो होता है वो इतने कार्य करने से भी नहीं होगा। अच्छा, ये मैंने बोला परम पुराण का श्लोक। अब आप रामायण में आइए, रामायण में गोस्वामी इसी की हिंदी करते हैं, कितनी अच्छी करते हैं। तीरथ कोटि अमित सम पावन, नाम अखिल अघ ओघ नशावन। तीरथ अमित कोटि सम पावन, करोड़ों तीर्थ करो। अच्छा, एक बात है, करोड़ों तीर्थ आगे के जामे तो कोई मिति नहीं, बहुत तीर्थ करो, जाओ बार बार, स्नान करो, दान करो, नहाओ, तीर्थों का महत्व समझो। सब कुछ समझने के बाद भी तीर्थ अमित कोटि सब पावन, करोड़ों तीर्थों कई बार कर लो फिर भी एक भगवान नाम के बराबर नहीं है। नाम अखिल अघपूग, अखिल अघपूग, बहुत पाप हो, पाप की राशि हो, ढेर हो, भंडार हो, कब से पाप करते चले आ रहे हो, हताश मत होना, घबराना मत, भगवान नाम श्री गणेश कर दो, चित्रकूट में आके संकल्प कर दो कि आज से हम पाप नहीं करेंगे, और इस संकल्प के राम नाम जपना शुरू कर दो, सब नष्ट हो जाएंगे। अब आप ये कह रहे होंगे महाराज जी ने बड़ी घोषणा की है, मैंने नहीं की, लिखा है ऐसा श्रीमद भगवत गीता में, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अपिचेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग सारु रेव समंतव्य सम्यगव्य वस्तु ऐसा क्षिप्रम भवत धर्मात्मा शाश्वत शांत निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, क्षिप्रम भवत धर्मात्मा शाश्वत शांत निगत, अपिचेतस दुराचारु, अत्यंत दुराचारी, अत्यंत पापी, महान पापात्मा, महान क्लिष्ट पापी, यदि मेरी शरण में आ जाता है। अच्छा, शरण में आना जानते हो किसको कहते हैं? मंदिर में गए तो राम राम, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, बात निकले तो जेब काटने की तैयारी, गड़बड़ है ऐसा राम नाम कैसे लोगे? शुद्ध भाव से, निर्मल भाव, बोर्ड लगा हुआ है गोस्वामी जी का, मोहे कपट छल छिदन बाबा और निर्मल जनमन सो मोहे, जिस जन का मन पवित्र हो चुका है वो है मुझे प्राप्त कर लेता है, छल कपट छिदन मुझे अच्छा नहीं लगता। निर्मल भाव से, निर्मल मन से अत्यंत दुराचारी भी यदि मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ, साधु बना देता हूँ। भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया कितना टाइम लगता है उसे धर्म, पापी को धर्मात्मा बनाने में कितना समय लगेगा? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, भजते माम साधु देव शीघ्रम शीघ्रम शीघ्र तुरंत बना देता हूँ। क्या अपचेतस दुराचारी भजते माम अनन्य भाग साधु मंतव्य सम्यग वस्तु सा क्षिप्रम भव धर्मात्मा। संस्कृत में हमारे आचार्य लोग जानते हैं क्षिप्र कहते हैं जल्दी को, शीघ्रता को, क्षिप्रम भव धर्मात्मा, धर्मात्मा बना देता हूँ, क्षिप्रम भव धर्मात्मा शाश्वत शांति निवस्थिति, शाश्वत शांति को प्राप्त करा देता हूँ। लोग शांति की खोज में है, सुख की खोज में है, यानो किस किस खोज में है, लेकिन पता ही नहीं उनको सुख शांति है कहाँ। जहाँ जो चीज़ होगी, जहाँ जिस चीज़ का भंडार होगा वहाँ वह चीज़ मिलेगी, और भटकोगे अगर भ्रांति में तो कुछ नहीं होगा। सुख शांति संसार में है कहाँ, इस पूरे विश्व में घूम के आइए, एक व्यक्ति ऐसा खोज के लाइए जो मन सावाचा कर्मणा से शांत हो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुख रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी है हर के। अब तुमने कहा सब संसार में शांति नहीं, हम तो संसार में ही खोज रहे, तो संसार तो दुखालय है, गीता पढ़िए। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, दुखालय मशाश्वतम, अर्जुन ये संसार दुख का आलय है, और आप क्या खोज रहे हो, सुख शांति और ये दुख का। अच्छा, एक बात बताओ, पुस्तक जहां पुस्तकों की दुकान हो, पुस्तकालय हो, वहां तुम जाओ तो क्या मिलेगा? वहां पुस्तक मिलेंगी और कोई चीज नहीं मिलेगी। और यदि आप जो है विद्यालय में जाओ तो क्या मिलेगा? विद्या मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा।
यदि आप औषधालय में जाओ तो क्या मिलेगा? औषधि मिलेगी। और अगर तुम भगवान शरण में जाओ तो क्या मिलेगा? सुख शांति मिलेगी। अच्छा देखिए, भागवत का आज लास्ट में कथा बहुत होगी, समय नहीं है। कुंती का प्रसंग सुना होगा, व्यास ने सुनाया था आपको। कुंती ने क्या मांगा? दुख मांगा। प्रभु मुझे दुख चाहिए। भगवान ने क्या कहा कि बुआ दुख तो मेरे पास है ही नहीं, मैं दे कहाँ से दूँ? जब दुख है, देखिए हम सुख मांग रहे हैं किसमें? इस संसार में। ये कैसा है? अशांत, इसमें शांति नहीं। और जहाँ दुख मांगो, भगवान क्या है? सुखालय। ये क्या है? दुखालय। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुख शांति चाहो तो पौराणिक वेद शास्त्रों को छोड़ करके रामायण पढ़ लीजिए। और गोस्वामी स्पष्ट निराकरण करते हैं, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, और जिम हरि शरण न एको। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, अगाध नीर होगा मछली सुखी होगी, दलदल होगा, कीचड़ होगा, सूखने पानी जाएगा, तड़फड़ाएगी, मर जाएगी। ऐसे ही संसार में विषय और व्यसन रूपी रस को लेते लेते हमारा जीवन बीता जा रहा है, लेकिन वो विषय रस जब तक नहीं सूखेगा तब तक सुख शांति नहीं मिलेगी। तुलसी कितना अच्छा लिखते हैं, देजन सूखे विषय रस और चिकने राम स्नेह। लोग कहते महाराज कहाँ जाए, सुख शांति कहाँ मिलेगी? वैराग्य ले लें। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य भेष का नाम नहीं है। वैराग्य भीतर राग यशस वैराग, वैराग कहते हैं राग बीतने को। जितने राग लगे हुए हैं, हम एक तम्बाकू खाना सीखते हैं, बीड़ी पीना सीख गए हैं, उसको गुरु लोग कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। और जो बड़े विषय लगे हुए हैं उनको कहाँ छोड़ दोगे? तो वैराग कहाँ है? वैराग घर में है। जनक घर में रहे और घर में रहते हुए श्रीमद भगवद गीता में उनकी नजीर है। क्या नजीर है? कर्मणैव हि संसिद्धि मा इष्टा जनका दया। हे अर्जुन, जनक ने अपने घर रह करके सिद्धि प्राप्त की, भगवान की प्राप्ति की। भक्ति और भगवान जनक के गेट पर द्वार पर आ गए। और हम जब कैसे भटक रहे हैं कि कोसों भगवान को जानते ही क्या है भगवान। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तीर्थ अमित कोट संपावन, नाम अखिला का फूग न सावन। समय से तो फिर कभी तक कहते रहो, घंटों का काम है। और ये घंटों का नहीं, जनों कब तक का काम है विद्वानों का, तो लेकिन हम जैसे कम जानकारों का भी ये काम ये है कि घंटे दो घंटे बोलते रहिए, लेकिन वो बोलने से श्रीमद भागवत कथा नहीं हो पाएगी। और भागवत करने का समय है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चित्रकूट धाम में आप आए हैं तो यहाँ कुछ छोड़ के जाओ, कुछ लेके जाओ। मंदाकिनी माँ में जाओ, कामतना जी का दर्शन करने जाओ, चित्रकूट में कहीं भी जाओ। देखिए चित्रकूट का महत्व बहुत बड़ा है। और थोड़ा जप तप करो, खड़े रहो धरे मौन, और चित्रकूट डोलत फिरो तुलसी तुले न। तुलसी कहते हैं बद्रीनाथ जाओ, प्रयागराज जाओ, गंगा सागर जाओ, चार धाम कहीं भी जाओ, वहाँ जप करो, तप करो, भजन करो, खड़े रहो, मौन साध लो, खड़े सुरी ले लो, तब जो फल मिलेगा वो चित्रकूट में वैसे डोलते रहो, पर्वतों का दर्शन करते रहो, तब भी मिलेगा। ऐसा क्यों? भगवान राम 14 वर्ष के अवध में छोड़ के आए तो पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी उनका मन नहीं लगा। चित्रकूट 12 साल रहे और चित्रकूट छोड़ के चले भी गए। पंचवटी पहुंचे तो लक्ष्मण से अपना अनुभव कह रहे थे, लक्ष्मण मैं बड़ा दुखी हूँ। बोले क्यों? कि त्यागते न चित्रकूट तो होते न दुखी। यदि हम चित्रकूट नहीं छोड़ते तो अशांति नहीं होते। सोते सुख की नींद प्रभात भय जागते, और कोई चिंता नहीं थी। और जब से हमने चित्रकूट छोड़ दिया, सीता जी का हरण हो गया, हमको अशांति। चित्रकूट हमारी वैराग्य की परंपरा में सुख विलास है। हमको पूछा जाता है क्या सुख विलास है आपका, हम बताते हैं हमारा सुख विलास है चित्रकूट। तो उस चित्रकूट में आप बैठे, यहाँ कुछ छोड़ के जाइए, संकल्प करके जाइए, अपने मन में क्या पाप हुए हम लोग करते हैं, क्या क्या हमसे गलतियाँ हो रही हैं, क्या क्या त्रुटियाँ हो रही हैं, मन से सत्संग करो। मन का सत्संग सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, और वो सत्संग पांडालों के ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? वहाँ सुन करके हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते, गड़बड़ हो जाते हैं। प्रवक्ता को आपके और हमारे पापों का पता नहीं, जिसको वो खोल के बता दे। इसलिए जो हमारे अंदर गलतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उनको हम चित्रकूट में छोड़ के जाएँ और भगवान नाम संकल्प करके जाएँ। 21,600 श्वास चलती हैं, 21,600 श्वास का डेली जप करिए राम नाम का। नहीं कर पाओ 1,000, 2,000, 4,000, 6,000 जितना मैंने उतना करना। ये यहाँ से संकल्प छोड़ के जाइए,
और श्रीमद् भागवत का टाइम है तो इसलिए मैं अधिक बोलना नहीं चाह रहा हूँ। आशीर्वाद है भगवान का, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहो, निरोग रहो, सबका कल्याण हो, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और आप जो है सद्मार्ग पर आए, भगवान के चरणों में आपका प्रेम हो, मेरा यही कहना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सतगुरु धाम की।